गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 11 समझाएंगे। चैप्टर नेम क्या है? देखिए, ममता का मूल्य। इस पार्ट में यह बताया गया है कि हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। ममता का कोई मूल्य नहीं होता है। देखो, आप लोग को स्टोरी समझा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक बार उसके मन में विचार आया कि अपनी माँ का कर्जा उतार दिया जाए। उसने सारा अनाज, सोना तथा नगद रुपए इकट्ठे किए और अपनी माँ के पास ले जाकर बोला, माँ, तुमने जितना रुपया मेरे पालन पोषण व शिक्षा पर खर्च किए हैं, उससे अधिक धन मुझसे ले लो। उस धन को अपने हाथ से गरीबों में बांट देना, ताकि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊं। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरा बेटा पैसों के घमंड में आकर ममता की कीमत धन से लगा रहा है। वह बोली, बेटे, आज ही क्या जल्दी, ये धन तो मैं कल भी ले लूंगी। यह सुनकर बेटा बहुत ही खुश हो गया। रात को माँ ने एक बाल्टी में पानी भरकर पलंग के पास रख दिया। जब बेटा सो गया तो माँ ने बेटे के बिस्तर पर एक लोटा पानी डाल दिया। जाड़े की रात थी, बेटा तुरंत जाग गया। उसे माँ का पानी डाला बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में होकर माँ से बोला, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे बिस्तर पर पानी क्यों डाल रही हो? तब माँ ने कहा, तुम एक रात में घबरा गए, मैं तो तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद ही गीले बिस्तर पर सोया करती थी। तुम यदि एक सप्ताह भी इस गीले बिस्तर पर सोकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी तुम मेरे ऋण से मुक्त हो सकते हो। अपनी माँ की बात सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी भूल के लिए अपनी माँ से क्षमा भी मांगी। माँ ने मुस्कुराकर अपने बेटे को क्षमा कर दिया। देखिए, इस लेसन में यही समझाया गया है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी माँ का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि ममता का मूल्य धन से नहीं किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।